नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आरती द्विवेदी, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। वायरस इफेक्ट, सेक्स वर्कर्स वरी अबाउट द मंथ्स टू कम। इस पर किसी का विशेष ध्यान गया ही नहीं। समाज के गरीब लोगों की चर्चा है, वंचितों की चर्चा है, स्टूडेंट्स की चर्चा है, प्रवासी भारतीयों की चर्चा है, पर इन सेक्स वर्कर्स की कोई चर्चा नहीं है। जबकि ये भी हमारे समाज का, हमारे देश का एक हिस्सा है। ये जैसे भी हैं पर है तो हमारा हिस्सा ही। और इस समय इनकी परेशानियां भी बहुत बढ़ी हुई हैं, क्योंकि और लोगों को तो मदद भी मुहैया कराई जा रही है, पर इनके लिए कोई मदद का भी प्रावधान नहीं हो रहा है, ना इसके लिए कोई सहायता के लिए आगे बढ़ रहा है। ये परेशान है कि अभी तक तो जो था चल रहा था कि अगर ये लॉकडाउन और आगे बढ़ता है या नहीं भी बढ़ता, तब भी ये आगे आने वाले मंथ्स में अपनी इनकम के लिए परेशान है, कैसे किराया दिया जाए और कैसे इनका घर खर्च चले। सोचना चाहिए कि इनकी समस्या ये है कि इस समय वायरस होने की वजह से इनके पास कोई क्लाइंट्स नहीं पहुंच रहे हैं। क्लाइंट्स को भय है कि पता नहीं किन किन के संपर्क में आए होंगे और इनसे संक्रमण फैलने की आशंका है, इसीलिए कोई इनके पास जा नहीं रहा है और इनकी जो इनकम का स्रोत है वो बंद हो गया है और इनके पास बाहरी सहायता भी नहीं पहुंचती, इसलिए ये परेशान है। सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये अच्छे हों या बुरे हों, जैसे भी हों, ये हैं तो हमारे देश का एक अंग ही, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये सोशल इशू है। इसमें एक पुणे का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, बुधवार पथ, वहाँ की एक सेक्स वर्कर ने फ़ोन पर न्यूज रिपोर्टर्स को अपनी ये व्यथा बताई। वो परेशान है क्योंकि शेल्टर्स भी बंद हो चुके हैं जिनमें उनके बच्चों की केयर होती थी, अब वो भी बच्चे उनके घर में हैं और उनके पास बहुत छोटे छोटे से घर हैं जिनमें बच्चों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है।